हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम क्लास 9 सामाजिक विज्ञान के सेकंड यूनिट भूगोल के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, लेसन एक है, भारत आकार एवं स्थिति। इसको इंग्लिश में इंडिया साइज एंड लोकेशन, इसको इंग्लिश में इंडिया साइज एंड लोकेशन कहते हैं। पार्ट का नाम है भारत आकार एवं स्थिति। इसमें हम पहले ग्लोब में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को देखेंगे। ऊपर का जो भाग होता है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। जो नीचे का भाग होता है उसको हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इसको नॉर्थ पोल, इसको साउथ पोल कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गोलार्ध। गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब होता है गोले का आधा। अब देखिए, गोलार्ध दो होते हैं इधर। पहला होगा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसको जो अलग करती है उस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। यह किससे अलग होती है? भूमध्य रेखा द्वारा। यह उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध भूमध्य रेखा द्वारा विभाजित हो जाती है। देखिए, इसके बाद हम ग्लोब पे दिखाते हैं। ऊपर का भाग है उत्तरी ध्रुव, नीचे का दक्षिणी ध्रुव। यह यहां से यहां तक जो है यह कर्क रेखा है, यह 23.5 अंश उत्तर में झुकी है। यह बीचों बीच जो है विषुवत रेखा। और इधर जो है ये मकर रेखा, ये 23.5 अंश जो है दक्षिण में। और जो बीचों बीच से गई है इस रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। इसमें देखिए अक्षांश, अक्षांशों की संख्या 180 होती है। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम तरफ खींची जाती है, ये इस तरह की होती है। इनकी संख्या होती है 180। और देशांतर रेखाओं की संख्या होती है 360। यह उत्तर से दक्षिण तरफ खींची जाती है ऐसे। यह हुआ अक्षांश और देशांतर। आगे हम देखिए बता रहे हैं भारत आकार एवं स्थिति। तो भारत की स्थिति क्या है? भारत भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में
उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का प्रमुख भाग आठ अंश चार मिनट उत्तर से सैंतीस अंश छह मिनट उत्तर अक्षांश और अड़सठ अंश सात मिनट पूर्व से सत्तानवे अंश पच्चीस मिनट पूर्व देशांतर तक है। आगे देखिए आकार। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल यह आकार है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है। समुद्र तट रेखा 98 और 100 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के साथ सात हजार पांच सौ सोलह दशमलव छह किलोमीटर है। आगे देखिए भारत एशिया महाद्वीप में अगला है। भारत किस महाद्वीप में है? तो भारत एशिया महाद्वीप में। महाद्वीपों की संख्या कुल सात है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अगला है अंटार्कटिका। ये सात महाद्वीप हैं। भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। राज्यों के नाम इस प्रकार है, देखिए, राम नाम जपते अत्र मत मुसियाव, पंक्त में होगो हम आई के समझा, तो राज्य होगा राजस्थान, इसकी राजधानी है जयपुर। मां से होगा मणिपुर, इसकी राजधानी है इम्फाल। ना से है नागालैंड, इसकी राजधानी है कोहिमा। फिर मां से है मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी है भोपाल। अगला है, इसको जाकर छोड़ दें, पास है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, इसकी राजधानी है कोलकाता। देश है तेलंगाना, इसकी राजधानी है हैदराबाद। अगला है आसे है असम, इसकी राजधानी है दिसपुर। अगला है त्रि से है त्रिपुरा, इसकी राजधानी है अगरतला। आगे देखिए, फिर मां से है महाराष्ट्र, इसकी राजधानी है मुंबई। अगला है ता से है तमिलनाडु, इसकी राजधानी है चेन्नई। अगला है गु से है गुजरात, इसकी राजधानी है गांधीनगर। अगला है सी से है सिक्किम, इसकी राजधानी है गंगटोक। अगला है बड़ा आ से होगा आंध्र प्रदेश, इसकी राजधानी है हैदराबाद। अगला है पास से होगा पंजाब, जो पांच नदियों की भूमि है, इसकी राजधानी है चंडीगढ़। अगला है का से होगा कर्नाटक, इसकी राजधानी है बंगलोर। अगला है
में से है मेघालय, इसकी राजधानी है शिलांग। अगला है ऊ से है उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी लखनऊ। एक वो आया था इसका है उड़ीसा, शहर भुवनेश्वर। एक उधर आया, एक अगला है गो, गो से है गोवा। इसकी राजधानी है पणजी। अगला है हा से हरियाणा, इसकी राजधानी चंडीगढ़। अगला है मी से मिजोरम, इसकी राजधानी है आइजोल। अगला है आ से है अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है ईटानगर। आगे देखिए फिर से है हिमाचल प्रदेश, फिर से है हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है शिमला। अगला है के से होगा केरल, इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अगला है छा से होगा छत्तीसगढ़, इसकी राजधानी है रायपुर। अगला है बी से है बिहार, इसकी राजधानी है पटना। अगला है झा से है झारखंड, इसकी राजधानी है रांची। अगला है छोटा, इससे है उत्तराखंड या उत्तरांचल, इसकी राजधानी है देहरादून। इस वीडियो में बस इतना ही है।